आइसक्रीम। अरे डिकर भैया। हाँ क्या हुआ भैया? आइसक्रीम खिला दो मुझे। आइसक्रीम? पागल वागल हो गया क्या? मैं खिलाऊंगा तेरे को आइसक्रीम। अरे भैया प्लीज खिला दो ना। उस दिन भी तूने पागल बनाया था गोलगप्पे वाले टाइम, याद है ना? मेरे को पिटवा दिया और मेरी आग भी काली करा दी। नहीं देखो मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा बिल्कुल भी नहीं। अरे भैया देखो ना गर्मी कितनी तेज है, प्लीज खिला दो ना भैया, खिला दो। तो गर्मी हो रही है ठीक है, देखो पता आइसक्रीम कितनी महंगी आती है, 20 रुपए की आती है, 20 रुपए है भी नहीं मेरे पास। चल तू चल। आइसक्रीम खिला दो, आइसक्रीम खिला, आइसक्रीम 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 दो, आइसक्रीम खाता रहेगा है, ढाल में खाता रहेगा जितना मर्जी है। निकलो भैया। क्या हुआ तेरे को? चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? फतिक फतिक उठ, चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? चक्कर क्यों आ रहे हैं तेरे को? क्या चाहिए बता? मुझे भूख लग रही है। भूख लगी है? बता क्या खाएगा? मेरे को आइसक्रीम खानी है। हाँ चल आइसक्रीम तो आ जाता है, तो आइसक्रीम खिलाऊंगा तेरे को। अरे गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाओ और मस्त हो जाओ, आइए आइए। अरे भैया जल्दी इसको आइसक्रीम दो एक। अरे क्या हो गया? अरे ये बेहोश हो गया, इसको आइसक्रीम दो। बेहोश हो गया तो हॉस्पिटल ले जाओ ना, आइसक्रीम खा के क्या करेगा? तेरे से जितना कहे ना उतना कर, आइसक्रीम दे इसको। पता नहीं कैसा आदमी है, बीमारी में बच्चा को आइसक्रीम खिलाता है। अरे दो ना यार जल्दी। ये लो सस्ती वाले दो, कोई पांच वाली चलेगी। हाँ। ये लो चले। तू तो भी बेहोश था, अब आइसक्रीम आ गया ना मेरे पास, अब ठीक हो गया। चलाक बन रहा है तुम्हें, खा ले आइसक्रीम अब। भैया मैं जरा सुसु करके आया, जरा ध्यान रखना इसका। हाँ रखते हैं हम। अरे भैया भैया तो गए हुए हैं, एक काम करो इस बैग को पूरा आइसक्रीम से भर दो। और पैसा कौन देगा? पैसा भैया दे देंगे ना, इससे बोलो ना अभी भरते हैं। ठीक है आइए आइए। फीलिंग रिलैक्स। हाँ तो भैया कितने रुपए हो गए इसके? पूरे 2000 रुपए हो गए। अच्छा 2000 रुपए हो गए, कितने रुपए हो गए? 2000 हुए हैं तो 2000 हुए हैं, पूछ लो चाहे अपने छोटे भाई से। तूने और कितनी आइसक्रीम ली है? भैया मैंने तो एक ही ली है। ये तो कह रहे एक ही ली है। एक खाई है तुमने? कितनी खाई है? एक ही खाई है भैया। अच्छा बोल बोलना कितनी आइसक्रीम खाई है? बस गिनती नहीं करी, ये देते गए मैं खाता क्या। हाँ देख लो। भैया हमेशा की तरह मेरे पास 2000 रुपए तो नहीं है। का पैसा नहीं है बेटे? हर बार की तरह हम मारेंगे नहीं इस बार। अच्छा मारोगे नहीं, फिर ठीक है, इस बार हम तुम्हारा कुछ भी कीमती चीज ले लेंगे। कीमती तो कुछ है नहीं मेरे पास। कड़ा? कड़ा नहीं भैया, कड़ा हमारी बहन ने हमको गिफ्ट दिया है, कड़ा नहीं। नहीं हम तो लेंगे भैया। नहीं कड़ा नहीं, कुछ तो होगा। iPhone 6। भैया मेरे पास एक ही आईफोन है, वापस करो मेरे को दो। अरे भैया मेरे पास एक ही आईफोन है, मेरे को दे दो भैया प्लीज। हम नहीं देंगे जाओ। अरे भैया दे दो ना मेरा आईफोन। जा रहा हूँ ना मैं, चप्पल नीचे करो, जा रहा हूँ मैं। हाँ यू ना बात, चलो निकलो। चल तू क्या आइसक्रीम खिला रहा है, चल इधर चल। अरे आइसक्रीम 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 तुम्हें नहीं पता नहीं कहाँ से आ जाता है, छोड़ो आईफोन मिल गया और क्या चाहिए, 40 रुपए की आइसक्रीम। तू ना हमेशा फोन पे लगा रहता है, कभी मेरी हेल्प नहीं करता। हाँ अब क्या कर रहा है तू? मम्मी तंग मत करो, मैं जरूरी काम कर रहा हूँ अभी। अच्छा अब क्या इम्पोर्टेंट काम कर रहा है तू? मम्मी मैं कॉपी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हैं वो क्या है? मम्मी कॉपी ट्रेडिंग एक ऐप है ऑक्टा एफएक्स का, जो अपॉर्चुनिटी देता है कि कॉपी लीडिंग ट्रेडर्स डायरेक्टली अपने अकाउंट में डील कर सके। अच्छा कभी सुना तो नहीं है इसके बारे में, क्या ये बेनिफिशियल है? अरे हाँ मम्मी, अपने चिंटू मामा है ना वो भी यूज करते हैं इसे, और आप भी यूज कर सकते हो। बस आपको बेस्ट मास्टर चूज करना है फोरेक्स के, बस 4 कॉपी में क्लिक करना है और अपना बैलेंस मॉनिटर करना है। जब मास्टर ट्रेडर अर्न करेगा तो वो आप ही अर्न करोगे, और ट्रेड सीखना बहुत ही आसान है। पर क्या हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ मम्मी, आपको पता है ऑक्टा एफएक्स न्यू प्रिंसिपल स्पॉन्सर है दिल्ली कैपिटल का। अच्छा मैं भी अर्न करूंगी और तेरे पापा के लिए अच्छा सा गिफ्ट लाऊंगी। हाँ मम्मी, डिस्क्रिप्शन में दिए
का लिंक से डाउनलोड कर लो, आपको 50% बोनस भी मिलेगा। ये तो ठीक है, पर मुझे ना ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। चिंता मत करो मम्मी, हर मास्टर ट्रेडर का रिस्क कॉल कैलकुलेट होता है उनकी ट्रेडिंग हिस्ट्री के बेसिस पर। आपको बस अपनी इन्वेस्टमेंट शेयर करनी है मास्टर्स के साथ, ये बेसिक है रिस्क मैनेजमेंट की। तो आप डरो मत, डाउनलोड कर लो, सब ठीक होगा। अच्छा आज ही करती हूँ। और तू सुन, तेरी ना आइसक्रीम मैंने टेबल पे रख दिया, जाके खा ले वरना पिघल जाएगी। और हाँ, घर की आइसक्रीम है, बहुत टेस्टी बनी है, जाके खा लियो। हाँ मम्मी, घर की आइसक्रीम है, मैं भी खाता हूँ। ठीक है। अरे बेबी, आज तुम फिर से हील पहन के क्यों आ गई? देखो ना कितनी लंबी लग रहे हो। अब बेबी तुम छोटे हो तो छोटे ही लगोगे ना, कितनी बार बोला है तुम्हें कि कॉम्प्लाइन पिया करो। अब तुम नहीं पीते तो उसमें मेरी क्या गलती है, इसलिए मैं लंबी हो गई और तुम छोटे रह गए। अरे तुम हील पहनना छोड़ दो ना। तुम टोकते क्यों हो, टोकना छोड़ दो ना। अरे उस दिन गोलगप्पे खिलाए तो थे, अब आइसक्रीम क्यों खानी है? तो उस दिन गोलगप्पे खिलाए थे ना, आज मेरे को आइसक्रीम खानी, मैं आइसक्रीम खाऊंगी। नहीं मैं नहीं खिलाऊंगा, पैसे नहीं मेरे पास। खाओ मेरी कसम, मर जाएगी तू। हाँ तो बस फिर मेरे को आइसक्रीम खानी है। अरे छोड़ो ना बेबी, फिर कभी खा लेंगे। मेरे को आइसक्रीम खानी है ना, मैं ब्रेकअप कर लूंगी। अच्छा ठीक है चलो। अरे भैया यार, गोलगप्पे का बिजनेस क्या बंद करे, आइसक्रीम का नहीं चल रहा है। हाँ ये बात तो है, गर्मी तो ज्यादा हो गई है ना। पार्टनरशिप में क्या फायदा दुकान खोलने में, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। आएगा अभी, स्कूल की छुट्टी होगी 12 बजे जाएंगे। बच्चा लोगन को आइसक्रीम खिलाने का मजा ही कुछ और है। कोई तो आए, पैसा बोनी हो। अरे देखो आ गया माल आ गया। भैया एक इनको आइसक्रीम दे दो। अभी देते हैं, रुको। एक मिनट, तुम तो वही हो ना जो पिछली बार गोलगप्पे खाने आए थे और फिर परसों आइसक्रीम भी खाने आए थे। तो ये लड़की तो नहीं थी तुम्हारे साथ, कोई और लड़की थी। पागल बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ पागल बना रहा होगा। हमको पागल बोल रहा है ससुरा? लो और सुन लो, उससे पहले दूसरी लड़की लेके आए थे। अरे बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ही मनगढ़ंत कहानी बना रहा तू है कुछ भी। लो और सुन लो, हमने देखा था। देखे थे क्या? देखे थे जल्दी बताओ। तो पहले आइसक्रीम खानी पड़ेगी। अरे दो यार आइसक्रीम दो। इलो पिंक, तुम भी पिंक, आइसक्रीम भी पिंक। अब जल्दी बताओ कि कौन थी वो। पैसा दो। अरे पैसे बाद में दे देगा ये। जब हम पिछली बार ही आए थे ना आइसक्रीम खाने, तो ये किसी और लड़की को लेके आए थे। तुम नहीं माने ना बेबी, मैंने तुम्हें बोला था उस कोमल, शिखा, इन सब से दूर रहना, पर तुम नहीं माने। मतलब मैं तुम्हारे साथ इतनी लॉयल हूँ ब्रेकअप के बाद ही, और तुमने ब्रेकअप हुआ नहीं कि दो दो गर्लफ्रेंड बना ली। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, जान मुझे कर रहे हैं कि ना पार्टनरशिप में मिली भगत है, हमारा ब्रेकअप करना चाहते है। चुप करो तुम, उनको क्या मिलेगा, हमारा ब्रेकअप करवा के बकवास करे जा रहे हो। बताओ भैया बताओ। उसका नाम कुछ चेतना बेबी करके, हाँ चेतना नाम था उसका। चेतना, ये वही चेतना ना जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? मैंने तुम्हें बोला था कि उसे ब्लॉक कर दो, पर तुमने मेरी सुनी नहीं, एक भी नहीं मानी। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, मुझे तो पता था। अरे वो चेतना नहीं है, चेतन है मेरा बेस्ट फ्रेंड, और वो मेल है, फीमेल नहीं है। अच्छा और सुन लो, ये बहुत चेतना बेबी को अपने बोल रहे थे, बेबी चीना तुम्हारी, कि आइसक्रीम खा लो फटाफट, फिर क्लब चलेंगे। क्लब चलेंगे? अरे भाई कितना झूठ बोलोगे यार, शर्म करो भगवान से, कितना झूठ बोलोगे। मारो इसको। लो भैया और भी मार दिया। और ये आइसक्रीम ना मैं लेके जा रही हूँ, पैसे दे देगा खुद ये। बाहर में जाओ तुम। देख लूंगा तुम दोनों को मैं। लाओ पैसे दो। अरे भैया आपने ऐसा क्यों करा, इतनी मुश्किल से मेरा पैचअप हुआ था, ब्रेकअप करा दिया दोबारा। ए दोगला इंसान, उल्टा कहीं का। एक तो खुद तुम मुझसे दगाबाजी कर रहे हो, हमको सुना रहे हो। पैसा दो और निकलो यहाँ से। नहीं दे रहा पैसा मैं। कट्टा निकाल अंदर से, कट्टा। दे रहा हूँ पैसा मैं। चलो निकल। गर्मी हो रही है यार। हाँ यार बहुत ज्यादा धूप हो रही है, धूप देखना बिल्कुल सर के ऊपर आ गई। तो भाई मैं चल रहा हूँ। ओ चल आजा, काम से जाना है। अरे यार किस काम से जाएगा, मम्मी ने काम दिया, करना तो पड़ेगा ना। अरे काम छोड़ तू यार,
मैं तो सोच रहा हूँ कुछ ढंग का खा पी के आते हैं मस्त गर्मी में। शिकंजी पी क्या है? अबे शिकंजी नहीं यार, गर्मी का मौसम है, सबसे ज्यादा गर्मी में क्या बिकता है? मटका कुल्फी। अबे नहीं यार, कुछ और बता। जलजीरा? नहीं जलजीरा भी नहीं यार। गोला? गोला भी नहीं यार, कुछ और। क्या होता है वो? अरे काम करते हैं ना, आइसक्रीम खाने चलते हैं। अबे हाँ, गर्मी में सबसे ज्यादा वही तो बिकती है, चल आइसक्रीम खाने चले। चल रुक यार, आइसक्रीम खाने हम चले तो जाएंगे, पर मेरा ना खुराफाती दिमाग कुछ कह रहा है मेरे को, मतलब मेरा मन ये कर रहा है आज हम कुछ नए तरीके से आइसक्रीम खाते हैं। खुराफाती मतलब समझा नहीं यार मैं। अरे फ्री की आइसक्रीम यार, एक बात बता, पैसों वाली आइसक्रीम तो हम रोज खाते हैं, पैसे तेरे पास भी है मेरे पास भी है, फ्री की आइसक्रीम को भी खाई है हमने। फ्री की आइसक्रीम ये कैसे? हम एक काम करते हैं ना, गरीब बन के जाते हैं, अमीर तो हम पहले से है ही। सही कह रहा है, लेकिन गरीब को आइसक्रीम थोड़ी देगा यार, वो तो भगा देगा। अबे ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक बात बता, गरीब को हम दान करते हैं, उनको हम पैसे देते हैं, कपड़ा देते हैं, रोटी देते हैं, पानी देते हैं, ये तो खाली आइसक्रीम है, आइसक्रीम तो दे ही देंगे ना। मतलब वो हमें दान करेगा आइसक्रीम। तो क्या बोलता है, चले आइसक्रीम खाने। चल ओ कहाँ जा रहा है? गरीब वाला गेटअप तो ले ले। तू तो भिखारी लग भी नहीं रहा। तू तो पूरा भिखारी लग रहा है। भिखारी तो हूँ मैं, थोड़े बाल बिखेर। अब ना दोबारा, अब लग रहा भिखारी। चले चल। अरे लेकिन यार आइसक्रीम वाला है कहाँ? अरे ये कहीं होगा आसपास, देख आगे ये रहे। अरे भैया मदद कर दो हमारी। क्या हुआ क्या हुआ? एक हफ्ते से कुछ खाई नहीं है। झूठ बोल रहा है ये, 10 दिन से कुछ नहीं खाया भैया। हाँ 10 दिन से कुछ नहीं खाया। 10 दिन से तुम लोग जिंदा कैसे हो? भगवान ने कृपा है, पानी पे जी रहे हैं और क्या बताएं। अरे बाप रे, खाने को तो चलो ढाबा पे खिलाते हैं हम तुमको। चलो अरे ढाबे पे क्यों जाएंगे, वहाँ बहुत गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी है वहाँ पे। हाँ ये बात तो सही बोले, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। और क्या खिलाए बताओ तुम? भैया आइसक्रीम का ठेला लगाए हो, आइसक्रीम भी खिला दो हमें और क्या बताए। हाँ हाँ खिलाते ना, खिलाते हैं, बिल्कुल खिलाएंगे। धन्यवाद भैया, भगवान आपका भला करेगा। ठीक है, मदद करा करवाई चाहिए गरीब की। और कुछ मदद कर सकते हैं हम? अब भैया इतनी मदद करे, एक एक आइसक्रीम और दे दो और क्या बताए। एक एक और नुकसान हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, मालिक मारेंगे बहुत। नुकसान तुम्हारा जरूरी है कि तुमको बद्दुआ जरूरी है? बद्दुआ देंगे आपको, सोच लो अगर एक और नहीं दिए तो। बद्दुआ मत देना, हम देते हैं, हम देते हैं, तनिक देते हैं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बद्दुआ मत देना ठीक है? ना ना, भगवान आपका भला करे। अरे भैया आईफोन 13 प्रो मैक्स वो भी 1 TB। अरे भैया। हाँ भैया। ये फोन कहाँ से मिला तुमको? अरे भैया क्या बताए, कर्जे पे लिए। बाप रे इतना कर्जा कैसे चुका पाओगे तुम लोग? ए भैया ये सोने का कड़ा कहाँ से? क्या बताए भैया, ये भी कर्जे पे लिए है। मत लिया करो यार कर्जे पे, मत लिया करो, बर्बाद हो जाओगे, मेरी तरह आइसक्रीम बेचना पड़ेगा तुमको भी। चलिए भैया चलते हैं। अरे भैया ये गाड़ी कहाँ से लेके आए? क्या बोलूं, कर्जा कर्जा। अरे भैया कहाँ बताए, बस रहने दो मत बताओ, पक्का ये भी कर्जे पे लिए होगे तुम। ये भी कर्जे पे लिए। अब गरीब का दर्द तो गरीब ही समझेगा ना भैया।
हाँ बिल्कुल, एक गरीब का दुख एक गरीब ही जान सकता है। चलिए भैया चलते हैं। ठीक है तुम लोग जाओ, हम अपना आइसक्रीम बेचते हैं, आते रहना। अरे बाप रे, कितने भले लोग थे, कर्जा ले लेके काम चलाते हैं। वैसे एक बात सोचने वाली है, आईफोन 13 प्रो मैक्स वो भी 1 TB और कड़ा और गाड़ी भी, लगता है हमारा चमन चूना लगा के चले गए, हम बर्बाद हो गए। नोकिया का फोन कहाँ से ले आया तुम? बोर हो रहे है ना? अरे भाई कुछ करने का भी नहीं है, दिमाग खराब, फालतू में बुला लेता यहाँ पे। ओए क्या फोन चला रहे हो यार? अरे हाँ यार, गर्मी बहुत हो रही है, बोर भी हो रहा हूँ मैं। अरे भाई कुछ खाने चलते हैं यार बाहर। कुछ खाने चलते हैं, पैसे हैं तेरे पास? सही कह रहा है वो, पैसे हैं तेरे पास? तेरे पास है तो गु खा ले। कुछ और बताओ ना खाने का। क्या खा सकते हैं यार, पैसे तो है ही नहीं। गोलगप्पे खाने चले? गोलगप्पे? अबे गोलगप्पे का सीजन गया भाई, कुछ और बता। पाव भाजी? पाव भाजी, गर्मी पाव भाजी खा ले तू है। अरे कुछ और बताओ ना यार। अरे यार गर्मी में खाने वाली एक ही चीज है आइसक्रीम, कौन खाएगा वो भी। अरे कह तो दिया तूने, अबे आइसक्रीम खाने चलते हैं ना। अबे सही गर्मी मिट जाएगी यार, गर्मी में आइसक्रीम खाएंगे ठंडी ठंडी। हाँ और क्या, इतनी तेज धूप में आइसक्रीम खाने का स्वाद ही अलग है। बता। लेकिन पैसे तो है ही नहीं। हाँ यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जिदी तेरे पास पैसे है? पैसे तो नहीं। राहुल तेरे पास? भरा है क्या? भरा नहीं हूँ मैं, तेरे पास तो होंगे ही नहीं। नहीं और मेरे पास भी नहीं है, तो कहाँ से खाएंगे आइसक्रीम। देखो एक काम करते हैं, अपने अपने घर पे चलते हैं, मम्मी या पापा से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या पता कुछ पैसे दे दे, अगर नहीं भी दिए तो घर में ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं तो पैसे मिल ही जाएंगे। नहीं नहीं यार, मेरी मम्मी मेरे को पैसे नहीं देगी और मारेगी अलग से। अरे इसका तो हर बार रोने का यार, और तू ट्राई करियो, जा निकल, चल चलो मैं भी चलता हूँ। ठीक है चलो चलो। कुमार, अरे तुम आ गए? हम आ गए। अभी बताओ पैसे लेके आए हो? मेरे को तो 1 रुपए भी नहीं मिले। पैसे लाए चीती तू? मिले ना 10 रुपए मिले, मम्मी का बटुआ मार लिया मैंने। 10 रुपए में सबकी आइसक्रीम आ जाएगी? तुम्हारी आया ना आए, मेरी तो आ जाएगी। देखो तू लाया पैसे? भाई घर वाले ने मारा अलग से और ऊपर से पैसे भी नहीं दिए। अरे यार कहाँ से लेके आइसक्रीम? अरे भाई मेरे को आइसक्रीम खानी है। अबे किसका स्कूटर ये? अबे यार मेरे पापा का स्कूटर है, 25 साल से यहीं पे खड़ा हुआ है। मैं क्या कहता हूँ, इसके पापा का स्कूटर ही बिकवा देते हैं। हाँ तो बिकवा देते ना, वैसे पूरा लोहे का है, आइसक्रीम ही आइसक्रीम मिलेगी, रेडी मिल जाएगी आइसक्रीम की। अबे सही कह रहा है। तो भाई हमने क्या सोचा है, तू स्कूटर को ही ना। स्कूटर को क्या? अबे तुम ही वही सोच रहे हो क्या जो मैं सोच रहा हूँ? हम भी वही सोच रहे जो तू सोच रही है, मतलब मेरे स्कूटर को। चले फिर, चल चलो। Few moments later. हाँ भाई तो मिल गई सबको अपनी अपनी आइसक्रीम। हाँ भाई चलो मैं घर पे चलते हैं, मजे से आइसक्रीम खाएंगे। चलो चलो रुको, ये लो भैया चाबी। चले फिर, चलो चल। तुम्हारी छोड़ा इधर देख कितनी मस्त है मेरी कोन वाली। ठीक है। अरे बेटा दिख रो, अरे बेटा मेरे स्कूटर की चाबी कहाँ है? स्कूटर की चाबी पापा? अरे बेटा मेरे पास स्कूटर ही है, रेल थोड़ी है। बेटा जल्दी चाबी बता, चाबी कहाँ है? अरे पापा क्या करोगे स्कूटर की चाबी का, स्कूटर तो पुराना है, नीचे खड़ा होगा, क्या करोगे चाबी का आप? अरे बेटा डिगरो छुट्टी का दिन है और 25 साल से मैंने स्कूटर को चलाया भी नहीं है, मैंने सोचा तेरी मौसी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चला जाऊं।
अरे अंकल, समय के साथ उस चीज को भूल जाना चाहिए जो चीज पुरानी हो जाती है। हाँ, पहली बार जिंदगी में सही बात करी इसने। हाँ बेटा काले खटमल, तू चुप रहा कर, तूने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया है। ठीक है ये बेटा, ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको भी तो टॉनिक चाहिए। अब बता कहाँ है? पापा चाबी तो नहीं पता कहाँ पे है, शायद नीचे स्कूटर में लगी हुई हो। अंकल जब मैं आया था ना तो स्कूटर में लगी थी ना। हाँ भाई अंकल, लगी हुई थी स्कूटर में। चल ठीक है अंकल, चप्पल तो ले जाओ, ऐसे जाओगे क्या? ओ थैंक यू बेटा। ओ तुम हंसी आ रही है, मेरा बाप मेरे को जान से मार देगा तो तेरे को मारेगा ना। दिखला तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे पापा सॉरी। अरे बिगरो, तूने मेरा स्कूटर बेचा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं। हेलो गाइस, तो कैसे लगी आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो आइसक्रीम वाली अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ कमेंट करना आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है। और हाँ गाइस, डाउनलोड करो OctaFX ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और 50% एक्स्ट्रा बोनस लो और एंजॉय करो कॉपी ट्रेडिंग। जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।